मित्रों, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अच्छी संगत में रहने पर कुछ अच्छे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। अच्छी संगत हो तो जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आदमी कितना ग्रो कर जाता है, कितना सब कुछ सीख जाता है, और वह अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यवसाय का, अपने एजुकेशन का कितना विकास कर लेता है, यह देखने वाली बात होती है। लेकिन अगर खराब संगत हो तो पूछिए मत, उसका भी एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। और हर खराब संगत में रहने वाले का जो जिंदगी होती है, जो माहौल होता है, वह भी एक अजीब तरह का होता है। हालांकि किसी को बहुत अच्छे संगत पसंद आते हैं, और कोई ऐसा आदमी भी होता है जिसको खराब संगत ही अच्छे लगते हैं, या कोई जान ही नहीं पाता है कि संगत हमारी अच्छी है या संगत हमारी खराब है। जब दुष्परिणाम आते हैं तब पता चलता है कि ओ, ये तो खराब संगत का ही असर हो गया। और जब कोई लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उस अच्छी संगत की तारीफ करते हैं कि फला के संग में थे इसलिए ग्रो कर गए, इसलिए डेवलप कर गए, या इसलिए अच्छा व्यवसाय कर पाए, इसलिए अच्छा एजुकेशन कर पाए। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। मित्रों, अगर ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना हो, कुछ शानदार करना हो, कुछ ज़बरदस्त करना हो, तो निश्चित तौर से हम सबको अच्छी संगत में रहना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहने का जो असर होता है, जो माहौल से क्रिएटिविटी होती है, वो हमारी ज़िंदगी को और भी शानदार बनाती है। निश्चित तौर से अच्छी संगत एक अच्छी और सफल ज़िंदगी की नींव होती है, एक बुनियाद होती है। हमने हजारों बार देखा है, खराब लोगों के संगत में अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। जैसे मार्केट में जाइए, कुछ सड़ी हुई सब्जियों के साथ अच्छी सब्जियां भी बदबू देने लगती हैं, और इसी तरीके से कुछ अच्छी सब्जियों के साथ सड़ी हुई सब्जियां भी बिक जाती हैं। अपना अपना नज़रिया है मित्रों, आप किस नज़रिए से देखते हैं और ज़िंदगी को किस नज़रिए पे खड़ा करना चाहते हैं, किस नज़रिए पे तपना चाहते हैं, किस नज़रिए पे सफलता पाना चाहते हैं, ये आपका अलग नज़रिया हो सकता है। लेकिन ये तो तय है, अच्छी संगत से अच्छे सरोकार होंगे, अच्छे अभिगम होंगे, अच्छे सद्बुद्धि आएंगी और अच्छा माहौल बनेगा। निश्चित तौर से ये सद्बुद्धि, ये अभिगम और ये माहौल अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद रखेंगे। विचारों से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अच्छे विचार अच्छे कर्म को जन्म देते हैं, और अच्छे कर्म अच्छी सफलता को जन्म देते हैं, और जब अच्छी सफलता होती है तो अच्छी अच्छी पीढ़ियाँ हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी भी अच्छी हो, तो निश्चित तौर से आपको अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे पेड़ लगाने होंगे, तभी अच्छे फल खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, संगत का बहुत असर होता है, ध्यान में रखिएगा, और हमेशा कोशिश करिए, प्रयास करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, लेकिन अच्छी संगत के लिए करिए। जानबूझकर अच्छी संगत नहीं रखेंगे तो जाने अनजाने में एक बुरी संगत रखने की लत पड़ जाएगी। जानबूझ के कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो अनजाने में ही कुछ बुरा हो जाएगा। संगत अच्छी रखिए, नीयत अच्छी रखिए, कर्म अच्छे करिए, निश्चित तौर से ईश्वर अच्छे अच्छे परिणाम देगा। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने कमेंट देकर हमारा सपोर्ट